गाइस तुम दोनों के चक्कर में ना आज मैं लेट हो गया। हम दोनों की वजह से तू कैसे लेट हो गया? तू खुद तो तैयार होता नहीं है और हम दोनों के ऊपर ब्लेम लगा देता है। गाइस चिल, रिलैक्स, 5 मिनट तो लेट है, सर बोलेंगे थोड़ा हमें कुछ। गाइस चलो अब और लेट नहीं करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ गाइस चलो चलो। हाँ चलो चलो। सॉरी सर, वो आज हम थोड़ा लेट हो गए। क्या थोड़ा? तुम तीनों पूरे 5 मिनट लेट हो, यानी कि 300 सेकेंड्स। आज तो तुम तीनों को एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। सर 5 मिनट ही तो लेट है, प्लीज बिठा लो। जाओ तीनों और जाके क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। प्लीज बिठा लो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं चलेगा, जो मैंने बोला है वो करो, जाके बाहर खड़े हो जाओ। सर हम सिर्फ 5 मिनट तो लेट है, आप 5 मिनट के चक्कर में हमारा पूरा दिन क्यों खराब करना चाहते हो? अबे एक तो तू 5 मिनट लेट है, ऊपर से मुख लगा रहा है। इधर आ मैं तुझे बताता हूँ। अरे ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम सब कौन से क्लास के बच्चे हो? 10th क्लास के। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग क्लास 1 घंटे से चल रही है, चलो क्लास में। यार गाइस 1 घंटा तो लेट हो गए हैं, क्या करेंगे यार क्लास में जाके? यार गाइस चलते हैं अंदर, बाहर वैसे भी बहुत धूप है, मैंने तो पानी पानी हो गया, चलते हैं अंदर। भाई मैंने सुना अपनी क्लास में एक नया टीचर आया, क्यों ना चल के उसी की ली जाए, वैसे ही बहुत दिनों से किसी मास्टर की ले आना हमने, तो चल रहे उसी की लेने फिर। चलो फिर। अरे यार तो इस काम में देरी किस बात की, चलो चलते हैं ना, जल्दी से लेते हैं उस टीचर की खबर। हाँ भाई चलो चलते हैं, देख कर आते हैं। चलो चलो चलो। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। कहाँ जा रहे हो सारे? तुम चारों पूरे 1 घंटे लेट हो, कहाँ जा रहे हो? सर टाइम देखना हमें भी आता है, टाइम देखना मत सिखाओ मैं, ठीक है? टीचर हूँ तुम्हारा, थोड़ा तमीज से बात करो, घर नहीं है तुम्हारा ये। आप मेरे साले तो लग नहीं रहे जो मैं आपसे तमीज से बात करूँ। अभी तुम चारों यहीं रुको, अभी तुम चारों को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाऊंगा और फिर तुम्हें क्लास से बाहर करवाऊंगा। सर प्रिंसिपल के पास भी चल देंगे, पर जो बाहर वाइट कलर की एक्टिवा खड़ी है वो आपकी है ना? हाँ हाँ, पर तुम्हें उससे क्या? तो कुछ नहीं सर, हम तो बस यही पूछ रहे थे कि उसकी सीट कितने तक की आती है। 1000-1500 तक की। और तो और सर, एक टायर 2000 का, दोनों टायर 4000 के। और सर 500 की लाइट, मोटा मोटा आपका 10000 का खर्चा हो गया। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये तुम खर्चा गिना क्यों रहे हो भाई? अब या तो सर 10000 का खर्चा कर लो, या तो हमें क्लास में एंट्री दे दो, मर्जी आपकी। अरे बच्चों क्या हो गया, 1 घंटा ही तो लेट हो, तुम्हारे टीचर की मैं थोड़ा सा मजाक नहीं कर सकता, चलो चलो क्लास में बैठते हैं। सर अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट किया, तूने किया क्या? हाँ यार मैंने भी पूरा होमवर्क कर लिया। वो सब तो ठीक है, लास्ट वीक मैम ने असाइनमेंट दिया था वो कंप्लीट कर लिया। हाँ यार भाई वो तो ठीक है। अरे गाइस देखो ये तो मेरी क्लास के पढ़ाकू बच्चे हैं। अरे हाँ यार बदनाम करके रखा है, सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। चलो गाइस देखते हैं ये लोग पूरा दिन पढ़ते क्या रहते हैं ऐसा। पढ़ क्या रहा है ऐसा? तुम लोगों के उससे क्या है, हमें तो सर ने कहा तुमसे दूर रहे। चलो गाइस क्लास में चलते हैं। अरे भाई बस तो कर यार, रोड है उस समय से तू कोई नहीं होता है। भाई उन्होंने कुत्ते को मारा। अरे यार उसने तुझको मारा, तू उसको मारेगा तुझमें और उसमें क्या फर्क रहेगा?
अरे यार वो एक बंदा पागल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सभी पागल हो जाएं। छोड़ना ये सब। चल भाई बोल तो सही रहा है, लेकिन दर्द हो रहा बीबी। अरे भाई कोई नहीं, रो मत, हम तेरे लिए दवा मंगवा देंगे। अरे तेरा किसने भूत बना दिया मार मार के? अरे भाई ये भूत नहीं बंदर लग रहा है। अरे वो सब तो छोड़ो, ये बंदर नहीं बंदर का पिछवाड़ा ज्यादा लग रहा है। भाई वो सब तो छोड़ो, तू नु बता भाई तुझे किस साले ने हाथ लगाई है? भाई तू चुप क्यों बैठा है, नाम तो बता सारे का, जाने नहीं देंगे आज। अरे हाँ भाई तू बता तो सही, साला को इतना मारेंगे कि उसने कभी सोची ना होगी। गजनू नाम था उसका। उस गजनू ने हमारे भाई को मजनू बना दिया, उसे तो हम आज गजनी बना देंगे। चलो साले को मारने। क्या करना है यार, हम अपनी पढ़ाई करेंगे, हम अपना टाइम थोड़ा वेस्ट करेंगे। अरे यार मेरे पास तो पढ़ाई के लिए कुछ बचा ही नहीं है, मैं तो अपने सारे सिलेबस खत्म कर चुका हूँ। अरे यार सिलेबस का क्या, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट भी हो गया, मैंने 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया। तुमने कल डोरेमोन का एपिसोड देखा? हाँ यार कितना बढ़िया गैजेट था उसका। अरे हाँ भाई मेरा तो देख के पार निकल गया। अरे कल तुमने पोकेमोन देखा, उसमें कल क्या लड़ाई हुई थी? हाँ यार लड़ाई देखते मेरे मजा सा आ गया। अरे हाँ यार लड़ाई देख के मेरा पार निकल गया। अरे गाइस आप फालतू की बातें कर रहे हो, और तू तेरा तो पाप ही निकलता जा रहा है। चलो गाइस पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। यार बॉयज आप लोग ऐसे शांत कैसे बैठे हो, थोड़ा कांड क्यों नहीं करते आज? क्या कांड करें, सारे कांड तो करके बैठे हैं। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा गाइस, वरना हमारा नाम कैसे रोशन होगा स्कूल में। यार और क्या कांड करें, हमने सर की स्कूटी की सीट भी तो फाड़ रखी है, और इससे बड़ा क्या कांड करें। गाइस हमें कुछ ना कुछ तो कांड करना ही पड़ेगा, जिससे हमें बच्चा बच्चा जान जाए। गाइस स्कूल में कुछ धमाका करना पड़ेगा। तूने स्टाफ रूम में बाहर बम फोड़ के आए सारे। सर मेरे बैग से ना वो ना पैसे चोरी हो गए। क्या बेटा पैसे चोरी हो गए? देखो एक बार अच्छे से आपके बैग में होंगे पैसे, चेक करो एक बार। अरे नहीं सर मेरे बैग में सच में पैसे नहीं है। अच्छा बच्चों तुम में से किसी ने इसके पैसे तो नहीं चुराए ना? सर मुझे पता चोरी किसने की है। अच्छा बताओ बेटा पैसे किसने चोरी किए हैं? ऑफ कोर्स सर, और कौन हो सकता है, हमारे बैग बेंचर्स। क्या बैग बेंचर्स? वैसे मुझे भी यही लगता है कि बैग बेंचर्स ने ही पैसे चुराए होंगे। यस सर। ओ, मैं भी प्रिंसिपल मैम को बुला के आता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, छोड़ो चोरी किसने की है वो पहले बताओ। मैम यही है बैक बेंचर्स, इनके अलावा कौन कर सकता है? जितने भी पीछे हो सब यहाँ पे आओ। चाहिए सॉरी बेटा तुम लोग को मैंने गलत समझा। मैम हम बैंक बेंचर्स कितने भी बुरे हो पर ऐसा काम नहीं कर सकते। सॉरी बेटा। लव यू टू मैम। तुम कभी नहीं सुधर सकते।
Hey everyone, this side Rakesh. I am the founder and CEO of Celebrity Phase India. And guys, बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए. Celebrity Phase के back to back new web series आ रही है. School के best days आ चुका है. Father and son की story आ रही है. मेरी एक already running है. 3-4 और web series में हम काम कर रहे हैं. और उन सब पे आपको opportunity मिल सकती है काम करने की. यहाँ पे आपको day one से ही हम acting कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो. बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग, मिस्टेक्स और सारी चीज़ें. हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में. सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से. फटाफट नीचे दिए गए नंबर पे अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ. मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में. ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल. थैंक यू.